आज से देश में अनलॉक वन की शुरुआत। कुछ और पाबंदियों में आज से मिलेगी छूट। सुबह 7 से शाम 7 की जगह अब सुबह 5 से रात 9 बजे तक हो सकेगी आवाजाही। देश में आज से 5 जून तक रहेगा अनलॉक वन का दौर। 3 फेज में हटाई जाएंगी पाबंदियां। सरकारी दफ्तरों में शुरू होगा कामकाज। 1 से दूसरे राज्यों में जाने के लिए यात्रा पाबंदियां भी हटेंगी। केंद्र ने जारी किए थे दिशा निर्देश, इनके मुताबिक कई राज्यों ने अपने यहां छूट का दायरा तय किया। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया राज्य पाबंदियां हटा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। मॉल मंदिर और रेस्तरां के लिए 1 हफ्ते का करना होगा इंतजार, इसके बाद इनको खोलने का प्लान। कई राज्यों ने आज से छूट के नियम तय किए। यूपी और राजस्थान ने तय किए अनलॉक वन के नियम। महाराष्ट्र में 8 जून से दफ्तर खुलेंगे लेकिन दफ्तर सिर्फ 10% स्टाफ के साथ खुलेंगे। आज कुछ और राज्य करेंगे छूट पर फैसला। राजस्थान में दफ्तर 100% हाजिरी के साथ खुलेंगे। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का कोरोना से निधन, कोरोना की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर। छूट के पहले चरण में आज से दौड़ेंगी 200 रेलगाड़ियां। कई सख्त नियमों का करना होगा पालन। प्रवेश और निकास गेट स्टेशन पर अलग अलग होंगे। ट्रेन में सफर केवल कंफर्म टिकट पर होना ही मुमकिन। 90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन। हर मुसाफिर की स्टेशन पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी जांच। वेटिंग या आरसी टिकट पर ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं। ट्रेन चलने के दौरान किसी को टिकट नहीं होगा जारी। तत्काल और प्रीमियम बुकिंग की भी अनुमति नहीं। बिना मास्क या किसी भी कपड़े से मुंह ढके बिना स्टेशन में जाने की इजाजत नहीं। कोरोना के लक्षण मिले तो नहीं करने दिया जाएगा सफर। आज देश में मिल रही है बंदिशों से छूट लेकिन कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 8,237 मामले। देश में कोरोना के कुल मामले 1,85,061 तक पहुंचे। कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 5,404 तक पहुंची। दुनिया में कोरोना प्रभावित देशों की सूची में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। भारत 7वें नंबर पर। देश में 89,995 लोग अब भी कोरोना से संक्रमित। इससे कुछ कम करीब 87,000 लोग कोरोना का करा चुके हैं इलाज। रिकवरी का रेट करीब 48%। एमपी में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 198 नए मामले। कुल आंकड़ा 8,000 के पार। 24 घंटे में 7 और मौतें मरने वालों का आंकड़ा 350 तक पहुंचा। यूपी में 378 नए केस। कुल मामलों की तादाद 8,000 के पार। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 49 केस नोएडा में। महाराष्ट्र में भी कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में करीब 2500 नए केस। 89 की मौत। महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा केस। अब तक करीब 2300 की मौत। राजस्थान में कोरोना केस की तादाद 8,800। अब तक 184 की मौत। राज्य में एक्टिव केस की तादाद 2600 से ज्यादा। तमिलनाडु में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,150 कोरोना केस। एक दिन में 13 मौतें। कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 22,000 के पार। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,295 नए मामले। दिल्ली में कुल केस की तादाद 20,000 के करीब। गाजियाबाद में चौबीस घंटे में दिल्ली में 13 मौतें। कुल मौतों की तादाद 473। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1,000 से ज्यादा नए केस। गाजियाबाद में कोरोना के 32 नए मामले। अब तक कुल केस की तादाद 305। बिहार में भी बढ़ने लगे कोरोना के केस। 24 घंटे में 181 नए मामले। 3 मई के बाद आए 2,500 प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का कहर जारी। 91 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में। अब तक पुलिस महकमे में 1400 से ज्यादा केस। अनलॉक वन का आज पहला दिन लेकिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिक्कत जारी। गाड़ियों की कतार लगी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी खत्म नहीं हुई परेशानी। गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन जारी रखेंगे पास से ही एंट्री का सिस्टम। दिल्ली की सब्जी मंडियों में आवाजाही बढ़ी। गाजीपुर मंडी में ज्यादा लोग दिखे। जयपुर में टिड्डियों पर काबू पाने की कोशिश जारी। घाटी घनश्यामपुरा में चलाया ऑपरेशन। यूपी के रामपुरा में नाबालिग से रेप, करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार।
शाहजहांपुर में पत्नी पर पति के कत्ल का आरोप, प्रेमी की मदद से जली जान। नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 के इनामी को पकड़ा गया, 11 दिन के भीतर नोएडा में 12 अपराधी पकड़े गए। यमुनानगर में बारिश के बीच अजगर ने मोर को निगला, कैमरे में कैद हुई घटना। मुंबई में श्रमिक स्पेशल में सवार होने के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चली ट्रेन। शाहजहांपुर में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, बद इंतजामी पर दिखाया अफसरों को फटकार। एमपी के बुरहानपुर में गिरे ओले, आधे घंटे की बरसात और तूफान से जनजीवन पर असर, कई पेड़ भी गिरे। अमरावती में किसान ने की खुदकुशी, कर्ज देने वाला साहूकार कर रहा था परेशान। बालासोर में बीजेपी एमपी और केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के लापता होने के लगे पोस्टर, कांग्रेस नेता पर केस दर्ज। जैसलमेर में करोड़ों टिड्डियां शहर में घुसी, 2 घंटे तक शहर में डर का माहौल, किसानों की फसल तबाह। मुर्शिदाबाद में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर लोगों की पुलिस से हुई झड़प, लोग रिहायशी इलाके में सेंटर बनाने के खिलाफ उतरे। मुंबई में अनलॉक 1 में चलाने वाली ट्रेनों के लिए स्टेशन पर तैयारी, पहली ट्रेन मुंबई से वाराणसी जाएगी। इंदौर में भी ट्रेन चलाने की तैयारी, जिला प्रशासन ने बैठक में किया तैयारियों पर विचार। लुधियाना में बीज घोटाले में एक्शन शुरू, एसआईटी ने बराड के बीज सेंटर मालिक को गिरफ्तार किया। केरल के अलपुजा में लॉकडाउन तोड़ने पर एक्शन, कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नितला और पीस कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ केस। हरदोई में महिला ने ज्वेलरी शॉप में की लाखों की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। अकोला में 40 डॉक्टर कोरोना जांच में निभा रहे हैं अहम भूमिका, कर रहे हैं स्वैप लेने का जोखिम भरा काम। गोरखपुर में सांसद रवि किशन कोरोना पर जागरूकता लाने में जुटे, गांव में जाकर कर रहे हैं चौपाल। रायसेन में चना किसानों को नहीं मिल रही फसल की सही कीमत, फसल को 2 से 3 बार छान कर ही हो रही है खरीदी। चाईबासा में नक्सलियों का हमला, पुलिस जवान शहीद, पुलिस का एसओपी मारा गया। लखनऊ में स्कूल फीस को लेकर तनातनी, सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में ठनी, एसोसिएशन ने फीस बढ़ोतरी के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। मुंबई में लावारिस हालत में मिली बुजुर्ग महिला की लाश, बुजुर्ग महिला मिली, दिल्ली में परिजनों के घर से निकलने पर पहुंची थी मुंबई, पुलिस ने ट्रेन से फिर वापस भेजा दिल्ली। मुंबई में आईआईटी के पास सिखा तेंदुआ, गार्डो ने किया पीछा लेकिन जंगल में भागा। बाड़मेर में कई घंटे तक जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। असम में बाढ़ के हालात कुछ सुधरे, रविवार को 1 की मौत लेकिन कई जिलों में हालात काबू में। जसपुर में निजी अस्पताल से चोरी, 2 दिन के बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, बच्चा चोर करने वाली महिला गिरफ्तार। भिवंडी में बड़ी तादाद में लोग सब्जी मंडी पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे। हैदराबाद में मिलावटी बीज का घोटाला पकड़ा गया, भारी मात्रा में नकली बीज बरामद। मुंबई में लॉकडाउन में भी बाज नहीं आ रहे शोहदे, तेज रफ्तार कार में तेज म्यूजिक बजा रहे 6 युवक गिरफ्तार। गुरदासपुर में निजी अस्पताल के डॉक्टर की मनमानी, मरीज और पुलिस के साथ उलझा, बिल के बारे में पूछने पर बदतमीजी पर उतरा। भीलवाड़ा में भीषण आग से 1 करोड़ का नुकसान, टायर ट्रेडिंग फैक्ट्री में लगी थी आग। रतलाम में 70 फीट गहरे कुएं से बचाया गया सांप, सांप को बचाने के लिए एक शख्स ने लगा दी जान की बाजी। गोपालगंज में मां ने करा दी बेटे की हत्या, अवैध संबंधों का खुलासा होने पर प्रेमी के जरिए कराया कत्ल। जौनपुर में रेप के आरोपी ने खुदकुशी की, अदालत में पेश करने के बाद जेल छोड़ने जा रही थी पुलिस। कानपुर में पुलिस की मनमानी, सब्जी बेचने वाले को पीटा, एसपी ने दिए जांच के आदेश। गाजियाबाद में चर्चित आईएस रानी नागर की बहन पर हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस। शिवमोगा में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में भारी दिक्कत। राजौरी के गांव में मिला सीमा पार से दागा गया हथकोला, सेना ने किया डिफ्यूज। गुजरात के नर्मदा जिले में फेंसिंग कराने को लेकर विवाद, प्रशासन से भिड़े गांव के लोग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सटे गांव में हो रही है तारबंदी। मुंबई से सटे नालासोपारा में गिरोह का पर्दाफाश, प्रवासी श्रमिकों को गांव भेजने का नाम कर रहा था वसूली। राम मंदिर मॉडल को लेकर अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक, बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने की संतों को मनाने की कोशिश।
वीरभूम में तारापीठ मंदिर का बड़ा फैसला, अभी मंदिर को खोलने का ऐलान नहीं। दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी, गुरुद्वारों और चर्चों में तैयारी शुरू, फैसले से लोग खुश। दिल्ली में देर रात तक सुहाना रहा मौसम, कई इलाकों में रात भर रिमझिम बरसात का दौर। फरीदाबाद में बरसात से मौसम सुहाना, शहर में दिखा इंद्रधनुष। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में दिक्कत, बदरपुर में अंडरपास में भरा पानी। आसनसोल में क्वारंटीन सेंटरों का इंतजाम नहीं, दिल्ली से आए प्रवासियों को तंबू लगाकर वहीं रोका गया। गाजियाबाद में रात को कई इलाकों में अच्छी बारिश, मौसम हुआ सुहाना। नोएडा में मासूम बच्ची की शानदार पहल, शहर में फंसे श्रमिकों की मदद के लिए गुल्लक से निकाल कर दिए सारे पैसे। तमिलनाडु में बसों को चलाने की तैयारी शुरू, करूर में बसों की सफाई की गई, फिलहाल चलेंगी 50% बसें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में न्याय खंड 3 सील, कोरोना केस आने के बाद लिया गया एक्शन। पुरुलिया में 6 नए कोरोना केस, प्रशासन ने इलाके को बनाया कंटेनमेंट जोन। बिलासपुर में तूफान और बरसात से भारी नुकसान, आम की फसल तबाह। मेरठ में बाजार को खोलने की तैयारी, प्रशासन ने दुकानों की सफाई के लिए दिया 3 घंटे का वक्त। नोएडा में कोरोना वॉरियर्स को ब्रह्म कुमारी बहनों ने कराया भोजन, सेक्टर 122 में हुआ आयोजन। कानपुर में 14 साल के बाद अपने बेटे से मिली एक मां, थानेदार की कोशिश से मां बेटे का मिलन हुआ। लातूर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोरोना जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मरीज की कर दी छुट्टी। दिल्ली के सीमापुरी में पुलिस कॉम्प्लेक्स में हादसा, चौथी मंजिल से गिरकर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। कालकाजी मंदिर को दोबारा खोलने की तैयारी, मंदिर प्रशासन ने शुरू किया इंतजाम। नोएडा में लॉकडाउन के कारण 2 महीने से सड़क किनारे पड़ा है पूर्व सैनिक, अब तक नहीं मिली मदद। नैनीताल में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भारी जलभराव से परेशानी। अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद भड़की हिंसा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची आंच। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने किया हंगामा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंडरग्राउंड बंकर में ले जाने की आई नौबत। ट्रंप ने हिंसा के पीछे एंटीफा संगठन का बताया हाथ, एंटीफा को आतंकी संगठन करार देने का दिया बयान। चीन में खत्म नहीं हुआ कोरोना, 16 नए मामले सामने आए। अल सल्वाडोर में अमांडा तूफान का कहर, 7 लोगों की गई जान।